ये जन आंदोलन है जीवन परिवर्तन का। ये ग्रामीण भारत में शिक्षा की क्रांति है। ये बदलती तस्वीर है ग्रामीण भारत की। ये एकल अभियान है। सन 1989 में आरंभ हुआ शिक्षा का ये नव प्रयोग आज संपूर्ण भारत में 1 लाख से अधिक गांवों में 30 लाख से अधिक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में सहयोग देकर पाठ पढ़ा रहा है। पूरे देश में लाखों कार्यकर्ताओं के समर्पण का ही ये परिणाम है कि कोरोना काल में एकल की जागृति ने 3 लाख से अधिक गांवों को सुरक्षित किया। भारत में कोरोना काल में भी एकल विद्यालय के बच्चों को बीमारी से बचाव हेतु सामाजिक दूरी के साथ स्वच्छता और खेल खेल में शारीरिक व्यायाम भी कराया जाता था। उन्हें हस्तकला का अभ्यास भी कराया जाता रहा। तिन्ने रंग कठे होके एकता नु दस दे ते छाया हेठा सारे पाई पाई वस दे चक्कर अशोक दा आकाश दा निशान झंडे अतरंगिया निराली तेरी शान विंध देश के निवासी सभी जन एक हैं रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। एकल विद्यालय के बच्चे अपनी संस्कृति को अब जानने लगे हैं। पिछले 30 वर्षों में लगभग 40 लाख बच्चों ने एकल विद्यालय से अपनी शिक्षा में सहयोग पाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। एकल अभियान ने केवल एकल विद्यालयों के माध्यम से बच्चों को ही नहीं साक्षर किया बल्कि ग्रामीण भारत को सशक्त करने हेतु पूरे भारत में ग्रामोत्थान केंद्रों के माध्यम से किसानों, महिलाओं और युवाओं हेतु अनेक प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित किया। किसानों को जैविक खाद का निर्माण सिखाकर उन्हें उन्नत कृषि की ओर बढ़ाया। ग्रामीण महिलाओं हेतु सिलाई प्रशिक्षण, युवाओं हेतु कंप्यूटर सेंटर जैसे कौशल विकास के कार्यक्रम आरंभ करके आज ये ग्रामोत्थान केंद्र ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण के केंद्र बिंदु बन गए हैं। जब कोरोना काल का प्रोजेक्ट आया कोरोना का कोविड-19 नाम का तब हमको यहाँ पे मास्क बनाने के लिए बुलाया। हमने लगभग 4-5 हज़ार तक मैंने मास्क बनाया। उससे मुझे 35 हज़ार तक मिले GRC सेंटर की तरफ से मिले। मैंने इतना पैसा कभी नहीं देखा था जितना कि मुझे 5 महीने में कमाने मिले। मैंने सेंटर से पैसा लेके तुरंत एक जिगजग मशीन खरीदी। मैंने घर पे खुद का ऑर्डर लेने लगी। उस मशीन के जरिए मैं 3 हज़ार तक कमा लेती हूँ सर। एकल अभियान ने ग्रामीण भारत में डिजिटल शिक्षा की क्रांति ला दी है। ग्रामीण भारत के सैकड़ों एकल विद्यालयों में बच्चों को टैब के माध्यम से पढ़ाई में रुचि उत्पन्न करवाई। ग्रामीण युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण। I have completed 3 months diploma course in Tinsukia GRC. Now I am employed in Gurjan Development Block as a computer assistant. There I earn 6,000 to 7,000 per month. Now I bear my own expenses. I would like to thank Tinsukia GRC providing me the opportunity for joining such a good institution and providing me the knowledge free of cost. वनवासी क्षेत्रों में उनके घर पर ही पहुंचने वाली एकल ऑन व्हील्स कंप्यूटर वैन ने मानो ग्रामीण युवाओं के सपनों को पंख लगा दिए। आज कंप्यूटर वैन के माध्यम से हजारों युवा एकल के इस सेवा कार्य से डिजिटल साक्षर हुए हैं। मेरा नाम है विश्वजीत नाथ। मैं लिमगुड़ी टी स्टेट गांव घटोंगांग में रहता हूँ। एजुकेशन के लिए तिनसुकिया में बहुत कंप्यूटर सिखाने का जगह है लेकिन वहाँ में पैसा बहुत लेते हैं। हम भी सोचा था मतलब तिनसुकिया में जाएगा बोल के, तो यहाँ में पता चला ऐसी गाड़ी आता है बोल के सिखाता है फ्री में, तो हम भी यहीं में आ गया। यहाँ में अच्छा से सीख लेगा कीबोर्ड चलाना अच्छा से सीख लेगा, तो बाद में वहाँ में जाके कुछ अलग सीखने को मिलेगा तो वो भी सीख लेगा। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु एकल अभियान ने ग्रामोत्थान केंद्रों में सिलाई प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की और अब यहाँ से महिलाएं प्रशिक्षित होकर स्वावलंबी हो रही हैं। मैं यहाँ पे कटिंग सीखने के लिए आई हूँ, सिलाई वगैरह, और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा है। बहुत कुछ सीख सकी हूँ यहाँ पे आने के बाद।
सब कुछ ही, जितना लेडीज़ को जो जो सामान की ज़रूरत होती है, ब्लाउज से लेके पेटीकोट से लेके सब चीज़ यहाँ पे सिखाई है बाइडो। बहुत सुंदर तरीके से कटिंग वगैरह सिलाने का तरीका सब सुंदर से सिखाई है। कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे, कोई वो नहीं है, कौन किस कास्ट से वो उसमें कोई मतलब नहीं है, सब मिल के बैठते हम लोग और सुंदर से सिलाई सीखते हैं। और सीखने का मतलब ये भी है कि सीख लेने से आगे मैं किसी को सिखा भी सकूँगी, और कभी कोई ऐसा कभी ज़रूरत पड़ जाए, कभी अल्लाह ना करे अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो मैं मशीन लेके बैठने से दो पैसा मेरे इनकम भी हो सकते हैं, मैं किसी के भी ऑर्डर लेके सी सकूँ। एकल अभियान जो एकल विद्यालय का उन सर टीचर और उन विद्यालय के गुरु को मैं थैंक यू बोलती हूँ इस वजह से। कोरोना काल में एकल अभियान के आरोग्य फाउंडेशन ने ग्रामीणों को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित काढ़ा सेवन के कार्यक्रम को गांव-गांव तक पहुंचाया। अभियान के आरोग्य कार्यकर्ताओं ने कोरोना से बचाव हेतु ग्रामों में साफ सफाई के अलावा निशुल्क काढ़ा, मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया, और इस कोरोना काल में ग्रामीणों को बीमारी से बचाव हेतु आयुर्वेदिक वन औषधियों के विषय में भी बताया। Ekal Vidyalaya is not an NGO, but a people's movement. It aims to empower tribal and rural communities across the length and breadth of our country through a holistic five-pronged education program. Functional education for an educated Bharat. Health education for a healthy Bharat. Development education for an Atmanirbhar Bharat. Empowerment education for a self-respecting Bharat. Sanskar and value education for an ethical Bharat. E-tablets and computer vans for a digital Bharat. Gramothan Center and skill centers for a skilled Bharat and women empowerment. I am a strong supporter of Ekal and I urge you to join me in making Bharat a world power. Jai Hind, Jai Bharat. Grameen Bharat sashakt ho raha hai. Ashiksha ki bediyan tooti hain. Samajik parivartan ki jadein mazboot hui hain. Aaiye aur aap bhi judiye Ekal abhiyan se aur anubhav kijiye ग्रामीण भारत के परिवर्तन और इसकी प्रगति का। जय हिंद।